अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल आता है तो आप प्रैक्टिकल करेंगे तो चीजों को आसानी से सीख पाएंगे और उसके अंदर उसकी गहराइयों तक जा पाएंगे। अगर टेक्नोलॉजी दूर जाएंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे और धीरे धीरे आपके अंदर का जो टैलेंट है, आपकी जो क्यूरियोसिटी है, वो खत्म हो जाएगी। नमस्कार साथियों, डिजिटल टीचर की कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपी से अंकित कुमार श्रीवास्तव जी, जिन्होंने 27,000 शिक्षकों के साथ में एज ए कंप्यूटर प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया है। तो आइए जानते हैं अंकित जी से कि उन्होंने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए किस तरीके से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है। नमस्ते सर, स्वागत है आपका डिजिटल टीचर की कहानी के इस एपिसोड में। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, नमस्कार सर। तो सर, आप अपना परिचय हमारे साथियों को दे दीजिए। आप किस विषय का शिक्षण कार्य करवा रहे हैं और किस विद्यालय में अभी कार्यरत हैं? जी, मेरा नाम अंकित कुमार श्रीवास्तव है। मैं जनपद श्रावस्ती का रहने वाला हूँ। यहीं पे उस प्राथमिक विद्यालय चहलवा 128 में मैं पोस्टेड हूँ सहायक अध्यापक के पद पर। जैसा कि आपने सब्जेक्ट की बात की, तो हम प्राइमरी और जूनियर एजुकेशन में है 128 में, तो सब्जेक्ट कोई मैटर नहीं करता हमारे लिए। हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं 128 में। मैथ पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। तो सर, बातचीत में सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप टेक्नोलॉजी के साथ पिछले 6-7 साल से आप जुड़े हुए हैं और उससे पहले भी आपने खुद भी अध्यापन कार्य किया है। आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी को लेके क्यों बना इतना? एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन बीसीए है, तो बीसीए की वजह से मैं टेक्नोलॉजी से जुड़ा रहा हूँ कॉलेज टाइम से ही। उसके बाद जब मुझे टीचर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैंने टीचिंग में भी आईसीटी के प्रयोग को स्टार्ट किया, अपने लैपटॉप अपने मोबाइल फोन का यूज करना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे बाद में गवर्नमेंट ने भी रूर्पण योजना के अंतर्गत हमारे विद्यालय में स्मार्ट क्लास की स्थापना की, जिसके तहत प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड और सारे सामान उपलब्ध कराए गए, जिनसे हम बच्चों को आसानी से आईसीटी के द्वारा पढ़ा सकते हैं। तो आपकी तो एक प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर की माना जाए तो एक ट्रेनिंग हो गई थी आप शिक्षक बनने से पहले ही, तो आपको तो काफी मदद मिली है उसकी। लेकिन सर, जो लोग कंप्यूटर के बारे में ज्यादा जानकार नहीं है, वो लोग किस तरीके से और बच्चों को कंप्यूटर के द्वारा या किसी भी टेक्निकल इक्विपमेंट के द्वारा अगर शिक्षण कार्य करवाना चाहे तो वो किस तरीके से इस कामकाज को कर सकते हैं? आपका क्या अनुभव रहा है? सबसे पहले तो उन्हें अपने फोन को यूज करना होगा लैपटॉप पे जाने से पहले, अगर उनका कंप्यूटर के प्रति ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और हम फोन की सहायता से ही बहुत सारी चीजों को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यूट्यूब पे सारे कंटेंट अवेलेबल है, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। और भी गूगल फॉर्म्स वगैरह है, उनके थ्रू आप असेसमेंट करा सकते हैं। और भी एक्टिविटीज है, बहुत सारे एप्लीकेशन है जिनका यूज आईसीटी के रूप में किया जा सकता है। आपका अगर मोबाइल को लेके बच्चों के साथ कुछ कामकाज का अनुभव है तो हम जरूर जानना। बिल्कुल, हमारी पाठ्यपुस्तक में बहुत सारी कविताएं होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। उन एक्टिविटीज को हम मोबाइल की सहायता से अगर बच्चों को विजुअल रूप में दिखाते हैं, एक्टिविटीज करके खुद भी दिखाते हैं और वीडियोज में भी दिखाते हैं, तो बच्चे ज्यादा आसानी इसको सीख सकते हैं। जब ज्यादा आसानी सीखते हैं तो भी घर पे जाके प्रैक्टिस करते हैं और अगले दिन स्कूल में आते हैं तो भी उनका हाव भाव उसी तरह से बना होता है जो एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है और पूरी तरह से इंटरेस्ट लेके वो सीखते हैं। आपने मतलब मोबाइल का भी अपनी कक्षा में इस्तेमाल किया, मतलब आपकी बातों से लग रहा है। स्टार्टिंग में मैंने मोबाइल से यूज किया है, उसके बाद लैपटॉप अपने यूज किया है। नाउ ए डेज तो लैपटॉप प्रोजेक्टर सारी चीजें गवर्नमेंट ने अवेलेबल करा दी है मेरे स्कूल में, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो सारी चीजें हो जाती है आसानी से। तो आईसीटी जो है सर, आईसीटी को आप किस तरीके से विजुलाइज कर रहे हैं अपने स्कूल में? स्पेशली तो बच्चों तक कंटेंट डिलीवर करने के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन जो हमारे जूनियर लेवल के कुछ बच्चे हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कैसे ऑन करना, कैसे ऑफ करना, कैसे ऑपरेट करना, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे उनको भी समय निकाल के उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। बट मोस्टली जो हमारा है वो है कि हमारे जो पाठ्यपुस्तक का कंटेंट है उसको कैसे बच्चों तक आईसीटी के माध्यम से डिलीवर किया जाए, तो मेन कॉन्सेप्ट यही है। आपके बारे में हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार आप काफी टाइम से एससीईआरटी के साथ भी जुड़े हुए हैं और आप टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए भी कई सारा काम कर चुके हैं, तो थोड़ा सा हम वो भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके के कामकाज में अभी आप संलग्न हैं। एससीईआरटी के लिए हम लोगों ने मॉड्यूल डेवलपमेंट ट्रेनिंग 2016 और 17 में स्टार्ट की थी। तो मॉड्यूल डेवलपमेंट में हम लोगों ने आईसीटी का प्लेटफॉर्म तैयार किया था, उसके बाद हम लोगों ने जो बेसिक हमारी बुक्स हैं इनको ई बुक के फॉर्म में कन्वर्ट किया, ई पोथी ऐप में डालने में। हमारे बेसिक शिक्षा विभाग का एक ऐप है ई पोथी, उस ई पोथी ऐप में सारी किताबों का जो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग की है डिजिटल कंटेंट अवेलेबल है, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारी टीम ने ही काम किया था एससीईआरटी के लिए। इसके बाद आपने ट्रेनिंग की बात की, तो हमारी टीम ने, जिसमें मैं भी हूँ, कंप्यूटर के लिए 30 दिन के और 15 दिन के
दो कंप्यूटर प्रोग्राम चलाए गए थे टीचर्स के लिए, और हमारे स्टेट के जितने भी डायट लेक्चरर्स हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम एससीईआरटी ने लॉन्च किया था, उसमें भी हमने ट्रेनिंग दी है। और मेरा सब्जेक्ट था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे सारे टीचर्स को और डायट लेक्चरर्स को ट्रेनिंग दी है स्टेट के। तो सर, ट्रेनिंग को पर्पज आपने किस तरीके से सोचा, या किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो टीचर्स के काम का सॉफ्टवेयर है, उसका यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं? एक तो बच्चों के मार्कशीट बनाने में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मेन फीचर है मेल मर्ज का, मेल मर्ज की सहायता से बच्चों की मार्कशीट डिजाइन कर सकते हैं, सर्टिफिकेट डिजाइन कर सकते हैं, उनके स्कोर कार्ड तैयार कर सकते हैं। दूसरी चीज, आइडेंटिटी कार्ड के लिए बच्चों के आई कार्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर इजीली वो डिजाइन कर सकते हैं मेल मर्ज की सहायता से लेबल यूज करके। और भी बहुत सारी चीजें, बेसिक ऑपरेशन कैसे, लेटर कैसे तैयार करना है, और भी सारी चीजें हैं जो क्वेश्चन कैसे तैयार करना है, क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, वो सारी चीजें उनको एंट्री करनी सिखाई गई हैं। टीचर्स का किस तरीके का माइंडसेट है, वो क्या सच में एजुकेशन में कंप्यूटर को अपनाना चाह रहे हैं, या टेक्नोलॉजी को लेके क्या रवैया आपको लग रहा है, ये आपके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं? आफ्टर ट्रेनिंग हमने जो टीचर से फीडबैक लिए हैं, तो हम लोगों ने उसमें एक ऑप्शन रखा था, क्या प्रशिक्षण में सिखाई गई चीजों का आप अपने शिक्षण में प्रयोग करेंगे, जिसमें 97% लोगों ने कहा यस, और 2.5% लोगों ने कहा मे बी, और 0.5% लोगों ने कहा नो। यानी कि 97% लोगों ने कन्फर्म होकर श्योर होकर बोला है कि यस, यानी कि वो सीखने के इच्छुक हैं और जरूर अपनी टीचिंग में आईसीटी का और जितने कंप्यूटर मॉड्यूल में हमने 30 दिन तक या 15 दिन तक दो बार चलाए थे, 30 दिन और 15 दिन के जो भी चीजें सीखी हैं उसको जरूर इंप्लीमेंट करेंगे वो। तो अंकित जी, कार्य में जो इस्तेमाल को लेके बातचीत हो रही है आजकल, और कोरोना काल में तो आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी का एकदम से सीधा डायरेक्ट असर दिख रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि टेक्नोलॉजी के द्वारा आने वाले समय में किस तरीके के कामकाज कर रहे होंगे शिक्षक? टेक्नोलॉजी के माध्यम, जैसे कि आपने देखा कि कोरोना काल लगने से पहले काफी लोग वीडियो मीट से या फिर जितनी चीजें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज होने लगे हैं वीडियो मीटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, कोई फैमिलियर नहीं था मोस्टली। हम लोग भी ना तो माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज करते थे, ना गूगल मीट यूज करते थे, ना जूम यूज करते थे। बट जैसे ही कोरोना पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, कोरोना के बाद हमको जरूरत पड़ी कि हाँ, बच्चों के साथ हमें जुड़ना चाहिए, उनको सिखाने के लिए स्कूल बंद है, क्योंकि बच्चे अगर ज्यादा टाइम तक स्कूल से दूर हैं जी, अपनी शिक्षण सामग्री से दूर हैं, तो फिर होता है कि एक टाइम के बाद उनके दिमाग से चीजें स्किप होने लगती हैं, और जब हम जो चीजें वो जानते हैं उनको समझाने फिर काफी टाइम लग जाएगा हमको फिर से वापस आने में। तो हम लोगों ने उनसे बच्चों से जुड़े रहने के लिए ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट की, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया हो, चाहे डेली वर्कशीट बना के ग्रुप में शेयर की गई हो, या फिर ऑनलाइन गूगल मीट या फिर जूम ऐप की सहायता से ट्रेनिंग कराई गई हो, शिक्षण कार्य कराए गए हो। और आफ्टर उसके बाद फिर हम लोग मोहल्ला टीचिंग भी किए, घर घर जाके जो हम लोगों ने ऑनलाइन काम दिए थे बच्चों को, कैसे कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, हम लोगों ने बच्चों के घर घर जाके भी उसका फीडबैक लिया है। तो अंकित जी, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, आपको किस तरह चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं जब आप टेक्नोलॉजी को लेके और इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो आपको सेल्फ में क्या चैलेंज फील होते हैं? आज के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज यही कि हमारा क्लासरूम छोटा पड़ जाता है और सारे क्लास के बच्चे एक्साइटेड होते हैं कि हम भी आएंगे साथ में देखने के लिए, क्योंकि जो ऑडियो वीडियो हमारे पास कंटेंट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, और सारे बच्चे एक साथ देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और हमारा क्लासरूम छोटा पड़ जाता है, क्योंकि हमारा क्लासरूम एक ही है और बच्चे क्लास हमारे पास 8 है। तो हम लोगों ने बाकायदा टाइम टेबल बना के रखा है कि किस दिन किस बच्चे को, किस क्लास के बच्चे को आना है। मैं थोड़ा इधर जानना चाह रहा हूँ कि जब आप शिक्षकों के साथ काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को लेके एक नई लहर चला रहे हैं, तो उसमें किस तरीके के चैलेंज आपको आते हैं उस प्रोसेस में? हम लोगों ने जो ट्रेनिंग कराई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कराई, माइक्रोसॉफ्ट टीम ही यूज किया था, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम पे जब हम लोगों ने कराया तो स्टार्टिंग में टीचर को लॉग इन करना तक नहीं आ रहा था, लोग अपनी स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे थे, डिपार्टमेंट की तरफ से उनको आईडी पासवर्ड अवेलेबल कराए गए थे, तो या तो लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे थे, लॉग इन नहीं कर पा रहे थे, बहुत लोग तो ऐप ही डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, केवल स्मार्टफोन यूज करते थे, व्हाट्सएप और फेसबुक तक लिमिटेड थे वो लोग। उनको हम लोगों ने फिर यूजर फ्रेंडली बनाया कि आप कैसे फिर इन एप्स को यूज करेंगे, किस तरह से आप टेक्नोलॉजी के करीब आएंगे, इसके लिए हम लोगों ने बकायदा फोन कॉल के माध्यम से और हर तरह से उनको व्हाट्सएप वीडियो कॉल और स्क्रीन शेयर करके यूट्यूब वीडियोज बना बना के डाले, कैसे आपको लॉग इन करना है, कैसे जुड़ना है, सारे यूट्यूब सेशन एससीईआरटी यूपी के चैनल पर भी अवेलेबल है। अगर कोई भी शिक्षक है जिसने ट्रेनिंग नहीं ली है, देखना चाहता है, तो कंप्यूटर लिटरेसी वर्कशॉप के नाम से एससीईआरटी यूपी के चैनल पर सारे लेक्चर्स हम लोगों के अवेलेबल हैं, वो अभी भी सीख सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं, जो टीचर्स नहीं जुड़ पाए हमारे स्टेट के वो भी सीख सकते हैं उससे। तो सर, आपने चर्चा किया है ई पोथी के बारे में, तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि ये ई पोथी क्या है और इसमें किस तरीके का कंटेंट है और किसके लिए ये एप्लीकेशन है? बेसिक शिक्षा विभाग की जितनी पाठ्य पुस्तकें हैं
उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से एक ऐप लॉन्च किया गया, ईपोथी, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ईपोथी ऐप डाउनलोड करने पे आपको उस पे सारे क्लास की जितनी भी बुक्स हैं आपको डिजिटल फॉर्म में मिल जाएंगी। आप उन्हें यूज कर सकते हैं, टीचर्स भी यूज कर सकते हैं, बच्चे भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि हमारे स्कूलों में किताबें पहुंचने में टाइम लग जाता है, और कभी कभी तो मिडिल सत्र तक पहुंचता है, मिडिल सेशन जब एंड हो जाता है उसके बाद। तो ऐसे में क्या है कि हम लोगों ने जो ऐप लॉन्च किया है उस ऐप की सहायता से बच्चे भी सीख सकते हैं, टीचर भी सीख सकते हैं, और क्लासरूम की सारी जरूरतें पाठ्यपुस्तक को रिलेटेड है खत्म हो सकती हैं। तो अंकित जी, आप काम तो काफी कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अपने डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भी स्टेट द्वारा, एससीआरटी द्वारा स्टेट रिसोर्स पर्सन के रूप में नामित किया गया, और मुझे एनसीआरटी की ई कंटेंट डेवलपमेंट की ट्रेनिंग में प्रतिभाग करने का मौका मिला। इस ट्रेनिंग में 10 दिन की ट्रेनिंग थी, 7 मार्च से लेकर 16 मार्च तक, और मैंने काफी कुछ सीखा। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक टूल्स सीखे मैंने, जैसे कि मैथमेटिक्स के लिए जो हमारी रेखा गणित है, इसके लिए जियोजेब्रा एक बहुत ही उपयोगी टूल है। जियोजेब्रा के बारे में जानकारी मिली। जियोजेब्रा के साथ ही कहूत, H5P और PHET, FED और भी बहुत सारे टूल्स के बारे में जानकारी मिली, जो कि आने वाले समय में जिनके माध्यम से हम कंटेंट क्रिएट करके बच्चों के लिए और इंटरेक्टिव कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे, और उनका जिसका यूज हमारे स्टेट के टीचर्स भी कर सकेंगे और भी सारे लोग कर सकेंगे। सर, जब आप स्कूल में टेक्नोलॉजी को लेके आए और पहली बार बच्चों के सामने ये कंप्यूटर और एक नया रूम सजाया गया है, तो बच्चों के क्या रिएक्शन थे, और बच्चों के कोई फनी एक्सपीरियंस अगर हो तो वो भी हम सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो जब हमने स्टार्ट किया, मोबाइल तो सबके देखे हैं बच्चे, लैपटॉप जब लेके गए तो बच्चे सबसे पहला था कि उसको टच करके देखें बच्चे। अभी भीड़ लग गई टेबल के पास मेरे, बच्चे टच करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे टच करें, क्या है, कैसे वर्क करता है। उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है बच्चों के अंदर, उसी क्यूरियोसिटी के माध्यम से वो चीजों को आसानी से सीखते हैं, क्योंकि जब क्यूरियोसिटी ही नहीं होगी तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले उनके अंदर इंटरेस्ट जगा कि हम उसको टच करें, कैसे वर्क करता है, कहाँ से ऑन होता है, तो उसी लेकर बच्चे एक्साइटेड थे। काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई, फिर उनको समझाया गया, बारी बारी से हर एक्टिविटीज दिखाई गई, वीडियोज दिखाए गए, बच्चे काफी इंटरेस्ट के साथ एक्टिविटी किए, काफी एंजॉय करते हैं। और जो स्मार्ट बोर्ड मिला हुआ है स्कूल में, स्मार्ट बोर्ड की सहायता से भी हम ब्लैक बोर्ड की जगह पे स्मार्ट बोर्ड ही ICT क्लासरूम में यूज करते हैं, उस पर अच्छे से लिख के समझा सकते हैं चीजों को। बिल्कुल, और वो तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कंसेप्ट हो जाता है कि पहले हम चाक से लिख रहे थे और अभी हम सीधा पेन से लिख रहे हैं और मिटा भी फटाफट रहे हैं। तो बच्चों के लिए तो ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि दरअसल हो क्या रहा है। आपकी कोई बात हो सर जो आप अपने शिक्षक साथियों के साथ साझा करना चाहें, एक लाइन में या दो लाइन में? मैं अपने शिक्षक साथियों से ही कहना चाहूंगा कि वर्तमान दौर तकनीक का है, अगर टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है तो उसके प्रति अगर जब यूज करना स्टार्ट करेंगे तो चीजें ऑटोमेटिक आती जाएंगी, क्योंकि यह प्रैक्टिकल बेस्ड होता है ना कि थ्योरी होती है। अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल आता है तो आप प्रैक्टिकल करेंगे तो चीजों को आसानी से सीख पाएंगे और उसके अंदर उसकी गहराइयों तक जा पाएंगे। अगर टेक्नोलॉजी दूर जाएंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे और धीरे धीरे आपके अंदर का जो टैलेंट है, आपकी जो क्यूरियोसिटी है, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप जितना भी जानते हैं उसको एक्सप्लोर करें और आगे जाएं, टेक्नोलॉजी के समीप जाके अच्छे से अपने स्कूलों में यूज करें और बच्चों का भविष्य उज्जवल करें। तो आज के इस एपिसोड में हमने अंकित कुमार जी से जाना कि किस तरीके से शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी चर्चा को विराम देते हैं इसी सवाल के साथ, क्या आप भी शिक्षण प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ तो अभी टेक्नोशाला फाउंडेशन से संपर्क करें और बने डिजिटल टीचर की कहानी का हिस्सा। इसी तरह की और भी इंस्पायरिंग कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाना ना भूलें। नमस्ते, मिलते हैं अगले शनिवार दोपहर 2 बजे।